माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण के दौरान 30,000 नौकरियों की घोषणा करने के बाद विधानसभा में बजट के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया और इस कैबिनेट मीटिंग में 8,200 पदों को भरने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों ग्रुप्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8,000 पदों को SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से भरने का भी फैसला लिया है। मल्टीटास्क वर्करों की मेरिट आधार पर भर्ती होने वाली है। इसके अलावा नियम 18 के तहत मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर अब इनके पद नहीं भरे जाएंगे। हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद सरकार ने मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर भर्ती ना करने का फैसला लिया था। हालांकि नियम 18 के तहत भर्ती के पात्र आवेदकों को प्राथमिकता मिलेंगी। इनमें दिव्यांग, एकल नारी, अनाथ बच्चों को शामिल किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के लिए अंक निर्धारण की नई अधिसूचना जल्द जारी होने वाली है और अब तक 300 वर्कर मुख्यमंत्री की अनुशंसा, जो कि नियम 18 के तहत भर्ती होती है, उसके तहत इनको नियुक्त कर दिया गया है। मतलब कि 300 लोगों को यहां पर रिक्रूट कर दिया गया है नियम 18 के तहत। 200 और पद भरने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। विभिन्न सरकारी विभागों में 200 पदों को भरने और वीडियो के जो पद हैं उनको पदोन्नति के आधार पर भरने की भी मंजूरी सरकार ने दे दी है। नादौन, पावंटा और कंडाघाट शहरी निकाय डेवलपमेंट प्लान को हरी झंडी दे दी गई है। बैठक में रोजगार की गारंटी देने के विधेयक के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में जल्द JOA लाइब्रेरियन के 700 पद भरे जाने वाले हैं। प्रश्नकाल के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस भर्ती के लिए RNP नियम बनाए जा रहे हैं, जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लाइब्रेरियन के 122 पद स्वीकृत हैं, इनमें 59 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त व शिक्षा विभाग के बीच चर्चा जारी है। उधर विधायक ने कहा है कि बीते करीब 20 वर्षों से लाइब्रेरियन के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है और जो एलिजिबल लोग हैं वो अब ओवरएज हो रहे हैं। अगर आप HPSSC पोस्ट कोड 939 और HPU JOIT की टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आप इस ऑफर में इन दोनों टेस्ट सीरीज को एक साथ बाय कर सकते हैं। आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे जस्ट ₹299 एंड आपको HPG के करंट अफेयर कंप्यूटर ई बुक, हिंदी इंग्लिश ग्रामर की ई बुक फ्री दी जाने वाली है। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।